हेलो चाचा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। और लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कॉपी चेकिंग की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची, या फिर कॉपी चेक हो चुकी है कंप्लीट, और कैसी कॉपी चेक हुई है, रिजल्ट की कब तक उम्मीद की जा सकती है, कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कब तक मार्क्स वगैरह सब अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, कब तक लिस्ट पहुंच जाएगी। तो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके बोर्ड से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो बात करें, देखो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस, जो थी वो हो चुकी कंप्लीट। यानी जो समय दिया गया था 27 से लेकर के 10 तक का टाइम दिया गया था कॉपी चेकिंग के लिए, लगभग 10 से 12 लाख कॉपियां चेक होनी थी। तो वो सारी कॉपियां आप लोग की चेक हो चुकी हैं। ऑफिशियल अनाउंस भी हो चुका है उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के द्वारा की कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आप लोग के फाइनल मार्क्स, ठीक है। जो कॉपी चेकिंग के बाद आपके जो मार्क्स आते हैं वो बोर्ड को भेज दिए गए हैं। अब लगभग मान चलिए 10 से 12 दिन में वो सारे मार्क्स आपके अपडेट होंगे, ऑनलाइन सब को अपडेट किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। फिर जिसके बाद ऑब्वियसली एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि इस डेट को आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो पहले डेट आप लोगों को कन्फर्म है। तो बात कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है बोर्ड के द्वारा, हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पूरी प्रोसेस समझेंगे कॉपी कैसे चेक हुई है। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सामने आपके सामने एक न्यूज़पेपर कटिंग है, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये, तो दोनों को हम देख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा हुआ, 30 अप्रैल को परिणाम घोषित करने पर फोकस है। तो लगातार मैं आप लोग को स्टार्टिंग से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में आप लोग का रिजल्ट आ जाना है। तो ये मान चलिए कि 30 तारीख से पहले पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, और लास्ट डेट आपकी 30 है। पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे चेक हुई है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, पूरी डिटेल्स हम जानकारी देखेंगे। क्योंकि जो साथ वाले टीचर्स, कुछ टीचर्स थे जो हमारे जानने वाले थे, जिनकी ड्यूटी लगी थी, तो पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं, देहरादून उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक 27 मार्च से इसका काम शुरू हुआ था। 15 दिन में 100% मूल्यांकन के बाद अब विभाग का पूरा फोकस 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। इसमें गढ़वाल मंडल में 16 और कुमाऊं मंडल में 13 केंद्र बनाए गए थे। मूल्यांकन के लिए हाई स्कूल के 1993 और इंटरमीडिएट के 1581 परीक्षकों की तैनाती की गई थी। परीक्षक हाई स्कूल की लगभग आप मान चलिए 69 यानी 6,90,564 और इंटरमीडिएट की 4,47,696 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर चुके हैं। शिक्षा निदेशक ने बताया कि मूल्यांकन से पहले हर मूल्यांकन केंद्र से 2 मास्टर ट्रेनर को विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 15 दिन में 100% मूल्यांकन कर लिया गया। अब 30 अप्रैल तक परिणाम घोषित करने पर फोकस है। और सेम यही न्यूज आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी वही पूरा डिटेल्स लिखा हुआ, डिटेल दी हुई आपको कि 30 को परीक्षा परिणाम घोषित करने पर फोकस है। तो पूरी वही न्यूज़ है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ रहे हैं। तो वापस आ जाता हूँ। अब आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपी चेकिंग कैसी हुई है, क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज और रिजल्ट से पहले एक मन में डाउट रहते हैं कि सर हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो जो साथ वाले टीचर्स थे उनका क्लियर है कि बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है वहां पर उनको मार्क्स मिले हैं। अगर बच्चे ने मान लो 100 में से 10% 50% रिलेटेड लिखा है तो बच्चे को वहां पर मार्क्स मिले। जैसे कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आधा नंबर आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखा है। अगर आप मान लो एकदम एग्जैक्ट लिख करके आए हैं तो वहां पर तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इसके अलावा मान लो कि कहीं आपकी मान लो एक पेज है जिसमें आपने लगभग मान के चलते 150 से 200 शब्द लिखे हैं, बट उसमें से आपके मान लो 10 से 15 शब्द अगर ऊपर नीचे होते हैं तब भी आपको वहां पर पूरे मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कॉपी आप लोगों की पूरी चेक हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो है मार्क्स अपडेट का। मार्क्स आपके भेजे जाएंगे, वहाँ पर पूरे अपडेट होंगे। और आज डेट जो हो चुकी है वो हो चुकी है 12 अप्रैल, ठीक है। यानी लगभग आप मान के चलिए 15 से 16 दिन है आप लोगों के पास, तब तक आप इंजॉय करिए, मस्ती कीजिए। बट जब रिजल्ट की डेट एकदम कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ इस दिन इतने बजे, वैसे तो एक डेट कन्फर्म है बोर्ड के द्वारा 30 अप्रैल, तो मतलब मान के चलिए 27-28 तारीख से आप लोगों का मतलब टाइम पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिन कटने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो बात करें देखो कॉपी चेक की, तो कॉपी में आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिलेटेड लिखा है आपको बिल्कुल 0 दिए जाएंगे, वहां पर आपको मार्क्स मिले हैं, स्टेप मार्किंग हुई है। कई बच्चे थे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या भर रखा था कॉपी में, जैसे साथ वाले टीचर ने बताया,
कई बच्चे तो रामायण भर के आ गए हैं, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में मतलब पूरा उसी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट, ट्रांसलेट तो क्या ही करेगा, किया है, जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप या फिर चैट करते हैं तो उस इंग्लिश में बच्चों ने आंसर लिखा है, ठीक है। फिर भी उनका कहना है कि वहाँ पर फिर भी बच्चों को पूरा गलत ना करके कुछ ना कुछ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सभी को बेस्ट विशेस है, चैनल के साथ जरूर जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप नाम से कैसे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कई बच्चों का रहता है कि मुझे अपने दोस्त का देखना है, रोल नंबर याद नहीं, आप नाम से चेक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा टॉप 3 ऐसी वेबसाइट्स बताएंगे जहां पर आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे, और इसके अलावा और पूरी डिटेल्स हम लेकर के आएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहेगा। जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक इजिली पहुँच पाए। और बाकी आप लोग की जो नया सेशन है 2024-25 का, उसमें क्लास 12th मैथ्स हमने स्टार्ट कर दिए, क्लास 10th ऑलरेडी कंप्लीट है, 11th कंप्लीट है, 9th एनसीईआरटी बुक कंप्लीट है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।